नमस्कार, डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर में आदिकाल के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आदिकाल क्या है। काल की अविच्छिन्न धारा के समान साहित्यिक परंपराएं और प्रवृत्तियां निरंतर गतिशील रहा करती हैं। साहित्य में एक बार जो प्रवृत्ति उदित हो जाती है, उसमें अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण तीव्रता और मंदता की प्रक्रियाता का होना सहज एवं विश्वसनीय है, किंतु उसका सर्वथा विलुप्त होना और नितांत अकल्पनीय है। प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ विकास और ह्रास की प्रक्रिया से अनिवार्यतः संबद्ध है। यद्यपि ज्ञान एक अद्वितीय और अखंड वस्तु है और इसका विभाजन कृत्रिम तथा अवैज्ञानिक व्यापार है, किंतु बोध सुकरता के लिए उसे कतिपय निश्चित खंडों, उपखंडों, शाखाओं एवं प्रशाखाओं में विभक्त कर लेने से अध्ययन में सरलता आ जाती है। अब हम आपको ये बताएंगे कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को चार कालों में बांटा है। सबसे पहले है हमारे वीर गाथा काल, जिसे हम आदि काल भी कहते हैं। इसका समय हमारा 1050 से 1375 तक रहा है। दूसरा है हमारा भक्ति काल, जिसे हम पूर्व मध्य काल भी कह सकते हैं, जिसका समय है 1375 से 1700। नेक्स्ट है हमारा रीति काल, जिसे हम उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, जिसका समय 1700 से 1900 तक का है। आधुनिक काल, जिसको हम गद्य काल कहते हैं और इसका समय 1900 से अब तक का है। अब हम जानेंगे आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के नामकरण के बारे में हिंदी साहित्य का आदिकाल अनवरत शोधों के उपरांत भी विवादास्पद और रहस्यमय बना हुआ है। इस युग के महत्व को सभी स्वीकारते हैं, लेकिन वह सामग्री जो महत्ता की सूचक है, सर्वथा प्रामाणिक है, ये कहना संभव नहीं है। विरोधाभास से भरपूर इस युग के साहित्य की आज भी कोई साफ तस्वीर नहीं है। सीमा निर्धारण से लेकर नामकरण तक प्रश्न अध्यावधि में ही उलझा हुआ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन सर्वथा उचित प्रतीत होता है। इस काल की कहानी को स्पष्ट करने का प्रयत्न बहुत दिनों से किया जा रहा है, यद्यपि उसका चेहरा अब भी अस्पष्ट ही नजर आता है। अब हम आपको इसके आदिकाल के जो नामकरण हमने किया है, तो इसकी कई पुस्तक, इसके लेखक और इसके समय के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हैं विजय पाल रासो, जिसके लेखक हैं नल्ल सिंह, जिसका संवत काल है 1350। दूसरा है हमारे हमीर रासो पुस्तक, जिसके लेखक हैं शांगधर, संवत काल है 1357। नेक्स्ट है कीर्ति लता, जिसके लेखक हैं विद्यापति, संवत 1460। नेक्स्ट है कीर्ति पताका, जिसके लेखक हैं विद्यापति, संवत 1460। नेक्स्ट खुमान रासो, जिसके लेखक हैं दलपति विजय, संवत 1180 से 1205। बीसलदेव रासो, जिसके लेखक हैं नरपति नाल, संवत है 1292। नेक्स्ट है हमारे पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक हैं चंद्रबरदाई, 1225 से 1249। जयचंद्र प्रकाश, जिसके लेखक हैं भट्ट केदार, संवत 1225। जय मयंक जस चंद्रिका कहें मधुकर कवि, जिनका संवत है 1240। परमाल रासो, जिनके लेखक हैं जगनीत, संवत है 1230। खुसरो की पहेलियां, जिसके लेखक हैं अमीर खुसरो, संवत 1230। लास्ट है हमारे विद्यापति की पदावली, जिसके लेखक हैं हमारे विद्यापति, संवत है हमारा 1460। इसके नामकरण के आधार, अब नामकरण के आधार में सामान्यतः इस कालखंड का नामकरण दो या तीन आधारों पर किया जाता है।
पहला है व्यक्ति विशेष के नाम पर, दूसरा है युग प्रवृत्ति के नाम पर, और तीसरा है उस समय में प्रचलित साहित्यिक प्रवृत्ति विशेष के आधार पर। हमारे आदिकाल के नामकरण के संबंध में अन्य मतों को भी हम देख सकते हैं, जैसे जार्ज गेरसन ने इसे चरण काल कहा है, मिश्र बंधु ने इसे आरंभिक काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको आदिकाल और वीरगाथा काल भी कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको संधि काल चरण काल की संज्ञा दी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज वपन काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीरकाल कहा है। अब हम बात करते हैं कि निर्णायक मत, इन सभी बातों से क्या निर्णय निकलता है। तो उपयुक्त विवेचन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल अथवा आदिकाल नामकरण के जंगलों में भटक गया है। यद्यपि सभी विद्वानों ने अपने अपने तर्क देते हुए नामकरण स्पष्ट करे हैं, किंतु कोई भी नामकरण ना तो अपने अपने तर्क देते हुए नामकरण बताए हैं, किंतु कोई भी नामकरण ना तो व्यापकता लिए हुए है और ना ही पूरी तरह औचित्यपूर्ण ही लगता है, क्योंकि कोई भी नामकरण संपूर्ण काल को साथ लेकर नहीं चलता। जैसे वीरगाथा काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल, बीज वपन काल, आरंभिक काल, अभ्रंश काल आदि नाम या तो एकांगी हैं या किसी प्रवृत्ति विशेष को ही इंगित करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये बताया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण रह जाता है इस काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, भोला शंकर व्यास, राम गोपाल शर्मा दिनेश आदि अनेक विद्वानों ने आदि के नाम से ही अभिहित किया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध हम पा सकते हैं। तो भावों की दृष्टि से इसमें भक्ति काल, आधुनिक काल तक की सभी प्रवृत्तियों के आदि बीज खोजे जा सकते हैं। जहां तक रचना शैलियों का प्रश्न है तो उनके भी वे सभी रूप जो परवर्ती काव्य में प्रयुक्त हुए हैं अपने आदि रूप में मिल जाते हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप परवर्ती साहित्य में हमें मिलता है। अतः आदिकाल ही सबसे अधिक उपयुक्त एवं व्यापक नाम है। शुक्ल जी के द्वारा प्रतिपादित वीरगाथा काल नामकरण निम्नांकित कारणों से अनुपयुक्त बताया गया है। पहला, परिधि की संकीर्णता, दूसरा, सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य और जैन साहित्य को सांप्रदायिक ग्रंथ कहकर इनकी उपेक्षा करना, तीसरा है हमारा शुक्ल जी द्वारा प्रामाणिकताओं का संदिग्ध होना, चौथा है कुछ ग्रंथों का नोटिस मात्र होना, और लास्ट है हमारा कुछ ग्रंथों का श्रृंगारिक होना। कुछ समय नामकरणों में राहुल संकेतन द्वारा प्रतिपादित नामकरण सिद्ध सामंत काल तथा राम कुमार वर्मा द्वारा नामकरण संधि काल एवं चारण काल से दो काव्य धाराओं का बोध होता है, अतः ये नामकरण उचित नहीं है। इसी प्रकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी एवं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा प्रतिपादित नामकरण अभ्रंश काल भाषा की प्रधानता के आधार पर दिया गया नामकरण है जो कि भ्रामक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रतिपादित बीज वपन काल तथा अन्य नामकरण भी उचित नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रतिपादित आदि काल नामकरण ही उचित सर्वमान्य सटीक अब तक प्रचलित एवं सर्वमान्य नामकरण है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।